वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है फाहद मलिक से आपके सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के मसाइल के हल्का आपके बहुत से सवाल हम तक पहुंचे आज सुबह से तो ऐसी जिस दिन फाहद आता है ऐसी कार्पेट बॉम्बिंग शुरू हो जाती है राइजिंग पाकिस्तान के व्हाट्सएप नंबर पर बहुत से सवाल है वक्त कम है मुकाबला सख्त और आपको आज मैंने अलीशान और उनकी टीम से भी मिलवाना है क्या करें क्या करें जल्दी जल्दी चलते हैं फाह गुड मॉर्निंग असल गुड मॉर्निंग सर तेज 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 ठीक है बहुत अच्छी लग रही थैंक सी देर होगी जगाया अम्मी आ, जाग रही थी अम्मी तो नहीं जगाए। मुझे जगाया उन्होंने कहा जी, मैं नमाज पढ़ चुकी हूँ बेतस्बिर पढ़ रही हूँ चार बजे को रोज में ही उठाती हूँ इसका मसला हल करें वो फिर शो के बाद तुम्हारा मसला हल करता हूँ बिलाल ने हाफजाबाद से सवाल किया करें भी क्या स्कैम है क्योंकि गूगल पर आने वाली ऐप अक्सर स्कैम होती है बिल्कुल स्कैम है या कहते हैं जी कि आप इतने पैसे डालें फिर हम आपको वीडियोस दिखाएंगे उन वीडियोस को देख के आपको पैसे मिलेंगे पैसे लोगों को दे भी रहे हैं लेकिन एक दिन भाग जाएंगे टोटल स्कैम टोटल स्कैम है विद मेट इज अ स्कैम और जी मुकदस बुरे वाला से फात भाई मैंने वेबसाइट के लिए लोगो बनवाना है ये कैसा होना चाहिए मेरी वेबसाइट का जो लोगो हो वो क्या वो ब्लॉग होगा या क्या होगा ब्लॉग अगर आपकी वेबसाइट है तो उससे रिलेटेड होना चाहिए लोगों आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करना चाहिए अगर आप न्यूज़ की वेबसाइट हैं आप हेल्थ की वेबसाइट हैं आप ब्यूटी या फिटनेस की हैं तो आपके लोगों की रिप्रेजेंटेशन आपकी वेबसाइट आपके लोगों की रिप्रेजेंटेशन होती है तो उसको उससे रिलेटेड होना चाहिए और बिल्कुल रिप्रेजेंट करना चाहिए आपके ब्रांड की वैल्यू उसको तो देख लें फ्री के ए टूल्स हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं जमील जौहर टाउन लाहौर से सर मेरे फ़ोन में आजकल एक मसला आ रहा है वो ये कि फ्री स्पेस लेने के लिए भी वो पैसे मांग रहे हैं के महीने के इतने पैसे दें तो आपको इतनी फ्री स्पेस मिल जाएगी ऐसा क्यों है आपके फोन की जितनी स्पेस होती है उसका सारा बैकअप बन रहा होता है क्लाउड पे आईओएस में भी एंड्रॉयड में भी और तकरीबन कोई दो तीन हजार रुपया साल का होता है तो दे दें इतनी अगर आपने स्पेस रखी हुई है इतनी ज्यादा आपकी चीजें हैं तो उसके लिए खरीदने में कोई हर्ज नहीं है तो दो ढाई हजार ले लें अच्छा भाई ये सवाल जो है मेरे ऊपर से गुजर गया है कख मैं समझ नहीं आई कि कैरी कुड़ी ना ए दब्या भेरा से ही हमें याद करें राब्या भेरा से कहती है क्या चैट जी और ओपन ए आई और इस किस्म के तमाम टूल्स रिसर्च के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं क्या ये बायस तो नहीं होते अच्छा मुझे समझ आ गया सवाल मुझे भी आ गया रिसर्च के लिए आ आपको आ गया क्योंकि आपको इतने माहिर के तौर पे पाकिस्तान के <laughs> लीडिंग <laughs> सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट मिट्टी में <laughs> इतना ज़्यादा वो ना मुझे और भी है। सवाल समझ नहीं आ रहा मुझे आगे सवाल समझ अच्छा बताओ रिसर्च के लिए नहीं इस्तेमाल किए जा सकते क्योंकि इनका डेटा आउटडेटेड है थोड़ा सा लेटेस्ट नहीं है तो रिसर्च के लिए आपके पास लेटेस्ट डेटा होना चाहिए बाइस्ट बिल्कुल है उसकी दो एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूँ आप इससे पूछें कि इसराइल फलस्तीन में क्या कर रहा है तो वो कहेगा कुछ भी नहीं कर रहा आप देखिए फलस्तीन इसराइल में क्या कर रहा है तो वो आपको बेशुमार जुल्म की दास्तानें सुनाएगा सो so, बनाने वालों का जो बायस है वो उस एप्लीकेशन या दो दें फलस्तीन और इसराइल से रिलेटेड आपको खुद समझ आ जाएगी अच्छा तो इसका मतलब है कि इसको अपनी रिसर्च में इस्तेमाल नहीं करना इस पे डिपेंड नहीं नंबर नंबर वन टू भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है साथ ही वो ये है कि डाटा करंट भी नहीं है ये 2021 तक का डाटा है एक, अब तेईस तक का आ गया है, मार्च तक का है अब पिछले छह महीने का नहीं है और वो भी सिर्फ प्रीमियम वर्जन में okay. जो फ्री वाला है वो इक्कीस तक की है जो चैट जीपी टी प्रो है बाईस डॉलर वाला वो मार्च दो हजार बिल्कुल ठीक सिब्बी से हमें याद किया है नाई माने क्या पाकिस्तान में आने वाले वक्तों में ए इंसानों को रिप्लेस कर देगी क्या हमें नौकरियां भी नहीं मिलेंगी क्या हमारे हम सबकी जगह काम की जगह रोबोट्स और ए आई ले लेगा हम कमाएंगे कहाँ से और खाएंगे कहाँ से फाद भाई ए आई इज डेफिनेटलीस लेकिन फॉर एग्जांपल ये जो चैट जीपीटी आप सारे दिन बैठ के प्रॉम्प्ट्स देते रहते हैं ये भी एक जॉब है आने वाले वक्तों में आपको चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स लिखने के लिए बंदे हायर करने पड़ेंगे जो आपके लिए डेटा फेच कर सके अच्छा सो so, रिप्लेसमेंट तो होगी क्योंकि आपके पास एक एक ऑटोमेटेड सिस्टम आ गया जो चीज़ छः महीने एक इंसान नहीं चला सकता वो वैसे वैसे ही कहा जाता है कि उसको ऑटोमेट कर दिया जाए तो ये ऑटोमेशन के साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी तो मिल रही हैं कि आपके आपका कंटेंट आपका काम आसान भी हो रहा है यानी नई नई स्किल्स सीखें बिल्कुल सो so आपको बजाय इसके कि आप ये डरेंगे मुझे यह रिप्लेस कर देगा आप ये देखेंगे हाउ एम आई गोइंग टू मेक दैट सिस्टम बेटर मैं अपने लिए जॉब कैसे क्रिएट करूँ व्हाट्सएप मैनेजर आपको अगले तीन चार साल में सत्तर सत्तर अस्सी अस्सी हजार हज़ार रुपया महीने पे लोग चार्ज करेंगे और वो व्हाट्सएप मैनेज करेंगे आपका वे, 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 वे क्या, क्या 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 ये इतनी तेजी से तुमने इतनी बड़ी तनख्वाही बता दी दोबारा बताओ क्या छः हाँ, महीने में क्या होने वाला है कि व्हाट्सएप मैनेजर व्हाट्सएप मैनेज करने के लिए आप हमारे जैसे लोग आप जैसे लोग बंदे रख रहे होंगे आपकी सारी की सारी कम्युनिकेशन होती है आपके फ़ोन पे जितने भी आप जैसे बड़े सेलिब्रिटीज हैं जितने भी बिजनेसिस रन हो रहे होते हैं व्हाट्सएप पर मैनेज हो रहे होते हैं सो so, आने वाले वक्तों में जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जाएगी आपके पास वक्त की कमी होती जाएगी आपके पास ये जैसे सोशल मीडिया किसने सोचा था कि मैं अपना फेसबुक का मैनेजर रखूँगा या मैं अपना इंस्टाग्राम मैनेज करने के लिए बंदा रखूंगा अगली स्टेज में यू विल हैव पीपल हु वुड बी मैनेजिंग योर व्हाट्सएप मैसेजेस ऑटोमेट भी हो जाएगा है भाई लेकिन ये भी एक जॉब मुझे दुनिया से जाने दो ये वक्त देखने से पहले ये भी एक जॉब क्रिएशन है और ये आराम से लोग सत्तर अस्सी हज़ार रुपए महीने के चार्ज करेंगे जी, मैं आपका व्हाट्सएप मैनेज करूँगा लोगों को आपके बिहाफ पे रिप्लाई करूंगा मैं फजूल क्यूरीज अनलिस्ट करके आपको वो मैसेजेस दिखाऊंगा जो आपके लिए जो आपके काम के होंगे बाकी सारा क्रैप में फिल्टर आउट करूंगा ये एक बड़ी जॉब बनने वाली है ये पूरी एक मतलब एक इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री बनने वाली है अनबिलीवेबल राजा अली ने रावलपिंडी से बहुत अच्छा सवाल किया कह क्या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है फाद भाई पचास हजार फॉलोअर्स है मेरे बड़ा सीन है भाई का लेकिन कह रहे मेरी रीच बहुत कम है मैं कुछ डालता हूँ लोगों तक पहुँचता ही नहीं उसकी दो वजूहत हो सकती हैं कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपके कंटेंट के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही आप अपने इनसाइट्स में जाएं आपके पास एक सेटिंग होती है जिसमें वो आपको बताता है कि आपके लोग किस टाइम पे ऑन ऑनलाइन आ रहे हैं जो आपके फॉलोअर्स हैं जुम्मे को शाम को छः बजे हफ्ते को शाम को तीन बजे वो सारे टाइम्स आपको दिखा रहा होता है उस टाइम पे पोस्ट करें और दूसरा आमना को भेज दें अपना ट्विटर अकाउंट हम आपको भी बता देंगे कि किस का कांटेंट आप डाल रहे हैं ट्विटर नहीं वाला इनका है। इंस्ट्रेंग्राम इंस्ट्रेंग्राम। वो इंस्ट्रेंग्राम। वो चलने वाला है या नहीं है अच्छा तो आप अगर थोड़ा डिटेल में ये सहूलत मुफ्त में इन्जॉय करना चाहते हैं फात भाई के और ये हमारा प्यारा छोटा भाई है इसके साथ हम मजाक करते रहते हैं लेकिन माशा पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर फहद से लोग सीखते हैं और इतनी नन्ही सी उम्र में अभी इन्होंने पाँव पांव चलना सीखा ही है और इतना बड़ा माशाल्लाह इनको तमगा इम्तियाज भी मिला है और इतना इनको लोग फॉलो करते हैं तो आप इनसे ये राइजिंग पाकिस्तान की सहूलत है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अगर डिटेल में फाहद भाई को अपना ऑडियो नोट में मसला बताएं तो ये रिवर्स ऑडियो नोट में आपको उसका हल भी बताएंगे और जैसा कि उन्होंने कहा कि अपना और उनकी टीम को आप अपना व्हाट्सएप का हैंडल भेजें तो उसको ये थोड़ा सा रिसर्च करके आपको मशवरा बेहतर दे सकते हैं कि आपको किस वक्त चीजें पोस्ट करनी चाहिए और आपका असल में प्रॉब्लम है क्या दानिश ने अटक से हमें याद किया कह रहे हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग क्या एक ही चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग है फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम ई कॉमर्स सोशल मीडिया जिसमें हम बहुत सारी बात कर चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग ये है कि मैंने आपको कोई चीज़ बेची आपने सुधीर भाई को भेजी सुधीर भाई ने मुकेश भाई को भेजी और ये एक चेन बनती जा रही है जिसमें हमने पहले भी बातें कि नाइनटी नाइन परसेंट दे आर स्कैम्स सो डिजिटल मार्केटिंग इज़ समथिंग दैट यू शुड डू नेटवर्क मार्केटिंग आपको कहीं ना कहीं फंसाती जाती है आपने पैसे लगाए अगले ने लगाए वो फिर एक चेन बनती जाती है और आप उसमें धसते जाते हैं और फिर निकलने का कोई रास्ता नहीं है so, सो नेटवर्क मार्केट मार्केटिंग में मत पड़े कुछ सीखना है तो डिजिटल सीख ग्रेट 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 कंट्रोल रूम सवाल कोई और है जी अगर कान में बताना है बताएं बताए okay. कराची से अब्दुल रहमान अच्छा ये हमारे अब्दुल रहमान है या ये ये लेकिन ये तो यहां इस्लामाबाद में कराची से अब्दुल रहमान वो कह रहे हैं कि एआई और चैट जीपीटी के लिए क्या आप कोई डिग्री भी लेनी पड़ेगी क्या हमें अपनी स्टडीज में कोई ऐसा डिसिप्लिन या ऐसा कोई टॉपिक या सब्जेक्ट रखना चाहिए अच्छा सवाल है अगर आप ए आई बेस्ड कोई चीज़ें डेवलप करना चाहते हैं मतलब आप एक ऐसा टूल बनाना चाहते हैं जो चैट जी पी टी से लिंक्ड हो लेकिन फॉर इंस्टेंस वो सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें आपको बताता हो या टेक्नी uh, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आपको बताता हो तो उसके लिए आपको डिग्री चाहिए इस्तेमाल करने के लिए आपको ऑनलाइन कोर्सेज़ आर इनफ और आप अभी भी मतलब यूट्यूब पर जाके लिखें गूगल पर जाके लिखें फ्री चैट जी पी टी प्रोम्प्ट जो आप टाइप करके उसको क्यूरी देते हैं उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं सो so, आप उस प्रॉम्प्ट को सिर्फ प्रॉम्प्ट देने का तरीका सीख लेना तो आप 99% चीज़ें आप वैसे ग्रैप कर सकते हैं hmm. जैसे मिड जर्नी है जो प्रॉम्प्ट बेस्ड तस्वीरें बनाता है कि आप उसको कहें कि मैंने एक स्टूडियो का सेट बनाना है जिसमें ये ये चीज़ें हों किस्म के कलर्स हों तो आपको तस्वीरें बना के दे देगा वो भी प्रॉम्प्ट की एक साइंस है सो so, आपको डिग्री शिग्री नहीं चाहिए आपको सिर्फ ये सीखना है कि हाउ टू जनरेट अफेक्टिव प्रॉम्प्ट फॉर चैट जीपीटी मिड जर्नी या इस किस्म के जैसे गॉर्क ट्विटर ने भी निकाल दिया अपना चैट जीपीटी पी टी टाइप का एक आई मॉडल तो आप उसके प्रॉम्प्ट सीख लें बाकी डिग्री आपको तब चाहिए जब वन यू रियली वॉन्ट टू डिवेलप अ प्रोडक्ट दैट इज़ बेस्ड ऑन ए सो वो उसके लिए आपको डिग्री की जरूरत है अदरवाइज प्रॉम्प्ट आर इनफ दुनिया दुनिया बदल बदल गई है। है रही और हम पा पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बड़े स्लो पेस पे दुनिया के साथ भागने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया लेकिन फाद आपको ये सवाल सुन के खुशी नहीं हो रही मुझे खुशी हो रही सिब्बी और पता नहीं कहां सिब्बी से, से कराची से हर हम से कहा से सवाल आ रहे हैं तो लोग इस इस रफ्तार में कदम से कदम मिलाकर चलना नहीं कदम से कदम मिलाकर दौड़ना चाहते हैं भाग रहे हैं लोग और पीटीवी की माइलेज का मैं हमेशा से फैनों के ऐसे ऐसे इलाकों से सवाल आते हैं जिनके मैंने नाम भी नहीं सुने होते सो दिस इज वाई आई आई प्रेफर टू गिव माई टाइम एवरी वीक टू दिस नेशनल टेलीविजन बचपन से देखते आ रहे थे आपको आपके जहन सवाल हो तो आने वाले वीक में आप जरूर हमसे पूछिए गुड लक ऑल द बेस्ट एक छोटा सा ब्रेक राइजिंग पाकिस्तान में राइजिंग पाकिस्तान में इस ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ लाहौर से अपने पांच छह मेहमानों से कि जिन्होंने म्यूजिकल थिएटर के अंदर एक बड़ा इनोवेटिव काम शुरू किया है हीर रांझा सोनी महिवाल लैला बजनू क्या क्या कहानी ये अपने अंदाज में सुनाते हैं और कुछ अभी हम यहां पे भी कुछ सीन ऑन करने वाले हैं जल्दी से ब्रेक पे जाएं और यूं वापस आए